वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह धन गुरु नानक सारी संगत को बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस समय का सबको इंतज़ार रहता है वो समय अब आ गया है गुरु नानक की मेहर से उसकी अपार कृपा से इस बार भी लॉकडाउन चालिया गुरु नानक पाश का अवतार पर्व जो आ रहा है तीस नवंबर को तो इस बार जो चालिया होगा वो लॉकडाउन में वो ऑनलाइन होगा तो गुरु नानक ने मेहर की है ये सेवा लेने जा रहे हैं हमसे इसलिए सारी संगत से बेनती है कि मन बना लो तैयारी कर लो अपना रूटीन सेट कर लो जिनके ऊपर कृपा है गुरु की वो तो अमृतला संभालते हैं ये चाले रखने का मकसद ये है कि जिनका अमृतला नहीं बना है उनका भी बन जाए इस चाले के ज़रिए तो उन लोगों से हाथ जोड़कर कर बेनती है जो अमृतला नहीं संभालते कि अब अमृतला संभालने का समय आ गया है गुरु नानक मेहर करें ये चालीस दिन संभाल लीजिए किसी प्रकार से बाकी गुरु नानक खुद मेहर कर देगा इस लॉकडाउन चालू में लोगों का सवाल था संगत का सवाल था कि घर में बैठ के कीर्तन सुनने का क्या उतना फल मिलता है जितना गुरुद्वारे में आके क्या उतना मन जुड़ेगा जितना गुरुद्वारे में जितना संगत में महापुरुष बचन क्या करते थे इस सवाल का जवाब बहुत लोगों के मन में यह सवाल है इसका जवाब बड़े ध्यान से समझ लीजिए दास ने पहले भी बताया है कई गुरुद्वारे आके भी खाली रह जाते हैं क्योंकि बातें करते हैं खाते पीते घूमते हैं और कई घर में बैठ के भी पूरा फल ले लेते हैं दास को पर्सनली महापुरुषों ने यह बात बताई थी कहते थे हरमंदर साहब का कीर्तन चल रहा हो टी पर हम सब सोफे पर बैठे होते हैं खाना खा रहे होते हैं चाय पी रहे होते हैं बातें कर रहे होते हैं फल नहीं मिलेगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक फल चाहिए कहते हैं जैसे हरिमंदर साहब में बैठते हो जाकर सर ढककर हाथ पैर मुँह धोकर ज़मीन पर, पर फर्श पर चादर बिछाकर इस प्रकार से पूरा फल बात नहीं करनी खाना पीना नहीं कीर्तन सुनना तो पूरा फल मिलेगा घर बैठकर पूरा और अगर मन जोड़ने की बात है तो दास की एक बेनती है जिनके पास घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है गुरु साहब जी का कमरा है उनके तो चरणों पर मेरा सर इतनी बड़ी उनके ऊपर कृपा है पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कमरा नहीं है छोटी जगह है जिनके घर में गुरु साहब जी का प्रकाश नहीं है तो उनके लिए एक जुगती है आप लोग जहाँ पर बैठ के आपने कीर्तन सुनना है अमृत वेले जहाँ पर भी वहाँ पर एक आसन लगाइए एक नई कुर्सी लेके आइए नया टेबल लेके आइए या कुर्सी या टेबल जो आपको ठीक लगे साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाइए उसके ऊपर गुटका साहब रखिए चाहे सुंदर गुटका हो चाहे श्री जबरी साहब जी की बाणी का गुटका हो चाहे सुखमणी साहब जी के बाणी का पाठ गुट का गुटका हो चाहे गुट कोई भी आपके पास घर में बाणी है वो रखिए गुरु नानक पाशाह का छोटा सा स्वरूप रख लीजिए एक फ़ोटो तस्वीर रख लीजिए जिससे भावना बने फूल रखिए भावना बने कि गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ कीर्तन सुन रहे हैं जिस जगह पर बैठ के जिस कमरे में बैठ कर आपने कीर्तन स्रवन करने उस कमरे को सजाइए सजावट कीजिए गुरु नानक की जी आ रहे हैं मन में ये भावना कभी मत लाना कि हम अकेले कीर्तन सुन रहे हैं क्योंकि उस वक्त ना जाने कितनी संगत लाखों में संगत कीर्तन से जुड़ी होती है जब चालिया होता है तो जब सब हम सब मिलकर नाम जपते हैं तो सबका वही फल मिलता है जो संगत में बैठ कर मिलना है वही रस भी आएगा जो संगत में बैठ कर आता है गुरु कृपा करें घर में जिनकी समरथा है वो थोड़ा सा कड़ा प्रसाद की देख बना लिया करें रोज़ जैसे यहाँ से यहाँ पर अरदास होगी कड़ा प्रसाद की देख को भोग लगाया जाएगा आप भी वहाँ पर भोग लगाइए और सारे परिवार को बांटिए वो कड़ा प्रसाद और जिनकी समरथा नहीं है समझो कोई कोई लड़का लड़की बाहर कॉलेज में पढ़ते हैं या समथिंग कहीं बाहर है ऑफ वो नहीं बना सकते कड़ा प्रसाद तो वो कम से कम जल आगे रख लें जल आगे रख के पूरा कीर्तन सुन के अरदास करके वो जल पी लें वो भी अमृत है वो प्रसाद बन जाएगा कोई प्रसाद भी आप रख सकते हैं थोड़ी मिठाई कोई बिस्किट का पैकेट कहने का भाव के पूरी भावना बन जाए क्योंकि महापुरुष कहा करते थे दो प्रकार के नाम जो अपना सत्संग होता है एक होता है चढ़ कला में कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ यह उत्तम है एक होता है कि डहते मन से मजबूरी में करना चढ़ कला में कीजिएगा मन से भावना निकाल देना कि इसका फल कम है ये तो गुरु ही जाने जब इतनी संगत जुड़ के नाम जपती है तो उसका कितना फल है कितना फल है और दूसरी बात टाइमिंग पंद्रह मिनट पहले ही सबने आना है दास की बेनती है महापुरुषों के बच्चन ने दास ने पहले भी बताए हैं कि जो समय पर आता है उसका समय पर फल मिलता है जो लेट आता है उसे लेट फल मिलता है जो समय से पहले आता है वो समय से पहले दाते ले जाता है गोल मैदान पर जब प्रोग्राम होता था तो लोग दो दो घंटे पहले आके बैठ जाते थे सारी संगत लगभग आधा पौना घंटे पहले आकर बैठ ही जाती थी तो हमें भी इस समय सवा दो बजे ठीक जो ढाई बजे पाठ शुरू होते हैं जगजी सह जी को सुखमी साहब जी के, के अमृत वेले वो अब सवा दो बजे होंगे ताकि पौने चार बजे फिर से एक श्री जब जी सेब का पाठ चलाया जाए दास का मैंने कि जब लाखों की तादाद में संगत जुड़ी होगी उस वक्त जब हम बैठ के एक श्री जगजी सेब जी का पाठ करेंगे तो उसका फल बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं दास क्योंकि इस बार दास जो करण लेने जा रहा है पूरे चालीस दिनों के लिए श्री जब साहिब जी, जी के एक एक पंक्ति का अर्थ एक एक अक्षर का अर्थ करने की दास कोशिश करेगा जो गुरु महाराज सर पे हाथ रख के सेवा लेंगे कोशिश है कि चाली में अर्थ पूरे कर सकूँ बाकी जैसे गुरु साहेब जी कृपा करें अड़तीस पौड़ियाँ हैं जब जी साहब जी दो के दो श्लोक है चालीस दिन का पूरा बनता है अगर हम रोज एक एक का अर्थ करें बहुत सारी संगत की कई सालों से ये फरमाइश थी तो दास ने इस बार कोशिश की है कि 40 दिनों में श्री जगजीत साहब जी के बाणी के अर्थ हम सब समझ सकें गुरु नानक पाशाह के मुखारबिन से उच्चारण की हुई ये पहली बाणी है तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मन बनाकर चालिया शुरू करें एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ी हुई है इसमें और इस बाणी के अर्थ समझने का मतलब है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी के अर्थ को समझना इसे छोटा मत समझिएगा ये बहुत बड़ी बात है जो गुरु साहब जी हमसे इस बार सेवा लेने जा रहे हैं सारी संगत से और दास से तो सारी संगत पौने चार बजे श्री जगजी साहब जी का पाठ स्रवण करेंगे साथ में पंद्रह मिनट में हम सब मिलकर पाठ करेंगे जगज साहब जी का और गुरु नानक पाशाह को अरदास करेंगे पातशाह जो बात तूने उच्चारण की है उसके अर्थ भी तू ही जानता है तरस कर हमें वो अर्थ समझ में आए और मेरे लिए भी अरदास कीजिएगा कि मेरे सर पर गुरु नानक हाथ रख के मुझसे ये सेवा ले लें सारी संगत से हाथ जोड़कर कर बेनती है कि तैयारी कर लो अमृत वेला ट्रस्ट लाइव चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ये बड़ी ध्यान से सुनना अमृतला ट्रस्ट लाइव जो चैनल है यूट्यूब का क्योंकि लाइव केवल इस पर आने वाला है और एक फेसबुक ऑफिशियल पेज है जो अमृतला ट्रस्ट का इन दोनों पर ही लाइव होने वाला है तो अमृतला ट्रस्ट लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए बहुत सारी संगत क्या करती है सुबह रात को ना बहुत बड़ी टीम लगी होती है जो लिंक आगे भेजती है दास ने पहले भी ये बात बताई थी कभी कभी लिंक लेट आता है कभी नेट की प्रॉब्लम कभी कुछ अगर आपके पास सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल बेल आइकन प्रेस किया होगा ऑल को सेलेक्ट किया होगा तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे प्रोग्राम शुरू होगा आपका कभी भी कीर्तन मिस नहीं होगा गुरु नानक मेरे करे अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को जोड़िए मन बना लीजिए चालिया आ रहा है धन गुरु नानक